मेरे हारने का सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन डैड, मुझे वहां उन दोनों लोगों ने देखा है। देखा है तो मैं उन्हें अदालत में देख लूंगा। तुम जीडी ठकराल के बेटे हो विक्रम, कोई मजाक नहीं, जस्ट रिलैक्स, ओके? ठकराल साहब, मुलाकात के वक्त पूरा हो गया। इंस्पेक्टर भोसले जी, ये मेरा बेटा है, जरा ख्याल रखिएगा। आप बेफिक्र रहिए, हम एक दूसरे का ख्याल रखें, दुनिया ऐसे ही चलती है इंस्पेक्टर भोसले। See you. तुम यहां कैसे? यह बताने आया हूं कि इंदु गुप्ता के खूनी विक्रम ठकराल के खिलाफ सरकारी वकील की हैसियत से मुकदमा मैं लड़ने वाला हूं। तुम्हारे जोश और तुम्हारी मासूमियत पर मुझे तरस आता है, लेकिन जिस दिन अदालत में तुम मेरे सामने आ गए, ये सारा घमंड हमेशा के लिए भूल जाओगे। मुझे भूलने की आदत नहीं है मिस्टर ठकराल, इसलिए तो सब कुछ याद है। याद है मुझे फांसी की सजा सुन के एक निर्दोष का घबराया हुआ चेहरा, अंधेरे घर के सन्नाटे में उसकी पत्नी की आवाज, मुझे सब याद है। तुम किसकी बात कर रहे हो? बात कर रहा हूं उस दीपक वर्मा की, जो आपके बेरहमी के हाथों फांसी के तख्ते पर मर गया। उस आरती की, जो आपकी संगदली के कारण 15 बरस तक एक पागल खाने में जिंदा लाश की तरह रही। मैं उन्हें की बात कर रहा हूं। तुम उन दोनों को कैसे जानते हो? मैं उन दोनों का बेटा हूं ठकराल साहब। जिंदगी बहुत अजीब है ठकराल साहब, शतरंज के मोहरे वही हैं, मगर बाजी पलट चुकी। और कुछ कहना चाहते हैं आप? आपको एक मशवरा देना चाहता हूं मिस्टर ठकराल, बिल्कुल मुफ्त। अपने बेटे से कहिए अपने जुर्म का इकरार कर ले, उसे तो हर हाल में फांसी होनी है। कम से कम आप मेरे हाथों एक मुकदमा हारने की बेइज्जती से तो बच जाएंगे। गुड बाय मिस्टर ठकराल। मुकदमे की कार्रवाई शुरू की जाए। माय लॉर्ड, यह मुकदमा कहानी एक गरीब घराने में पैदा हुई नेक और शरीफ लड़की इंदु गुप्ता की, जो आज जिंदा नहीं है। खून का यह मुकदमा भयानक जरूर है, लेकिन पेचीदा नहीं है। थोड़ी देर में आप जान लेंगे कि इंदु गुप्ता का खूनी कोई और नहीं, बल्कि मुलजिमों के कटघरे में खड़ा यह विक्रम ठकराल है। यह विक्रम ठकराल जिसने उस लड़की को इस लापरवाही से खत्म कर दिया जिस तरह सिगरेट पीकर कोई अपनी एड़ी के नीचे मसल देता और भूल जाता है। माय लॉर्ड, मैं यह नहीं जानता कि इंसान मरने के बाद कहां जाता है, और अगर कहीं जाता है, अगर आत्मा नाम की कोई चीज है, तो इंदु गुप्ता की आत्मा इस अदालत में मौजूद है, कानून के चौखट पर इंसाफ का इंतजार कर रही है। और मुझे यकीन है माय लॉर्ड, पूरा यकीन है कि वह यहां से मायूस नहीं लौटेगी। थैंक यू माय लॉर्ड। योर ऑनर, सबसे पहले मैं अपने नौजवान सरकारी वकील को उनकी जोशीली और जज्बाती तकरीर पर मुबारकबाद देना चाहता हूं, मगर साथ ही कानून की पहली किताब का पहला सबक भी याद दिला देना चाहता हूं कि अदालतों के फैसले जज्बात की धुन में नहीं बल्कि अक्ल की रोशनी में होते हैं। सरकारी वकील ने अपने जोशीले अंदाज में जो इल्जाम मेरे मुवक्किल विक्रम ठकराल के ऊपर लगाया है, उसका मैं क्या जवाब दूं? इसलिए कि विक्रम ठकराल इंदु गुप्ता नाम की किसी लड़की को जानता तक नहीं। जानता है, क्योंकि मुकदमे की शुरुआत वकील सफाई के इस नुक्ते से शुरू हुई है कि विक्रम ठकराल और इंदु गुप्ता एक दूसरे से अजनबी थे। सबसे पहले मैं यह साबित करना चाहता हूं कि यह झूठ है, और मेरी पहली गवाह है मिस कोमल वर्मा। मिस कोमल वर्मा, इंदु गुप्ता जिसकी यह तस्वीर है, इसे तुम जानती थी? मैं इंदु गुप्ता को जानती नहीं थी, लेकिन दो बार मिली हूं। इंदु गुप्ता से तुम्हारी आखिरी मुलाकात कब और कहां हुई?
मैं विक्रम ठकराल के बहकावे में आकर उसके साथ भाग जाने को तैयार हो गई थी। और 16 जुलाई की रात को जब विक्रम ठकराल मुझे डॉक्टर माथुर के घर अपने साथ ले जाने के लिए आया तो इंदु गुप्ता वहां पहुंच गए। उसने मुझे फिर समझाने की कोशिश की। उसके हाथ में एक खतों का पैकेट था, वो मुझे दिखाना चाहती थी, लेकिन लेकिन विक्रम हमारे बीच आ गया और उसने वो पैकेट छीनकर अपने कोट की जेब में रख लिया। तो फिर क्या हुआ, क्या हुआ फिर? विक्रम ठकराल ने इंदु गुप्ता को जोर से धक्का देकर मुझसे दूर किया। इंदु गुप्ता मेरे पास आना चाहती थी, मुझसे बात करना चाहती थी, लेकिन विक्रम, मैं घबराकर घर के अंदर चली गई। फिर क्या हुआ? एक ही मिनट में मैंने आशा, डॉक्टर आशा माथुर के चीखने की आवाज सुनी। मैं भागकर बाहर आई और मैंने देखा इंदु गुप्ता की लाश कंपाउंड में पड़ी है और डॉक्टर माथुर और आशा उसके पास खड़े। मिस कोमल वर्मा, अब तुम जा सकती हो। एक मिनट योर ऑनर, मैं मिस कोमल वर्मा से कुछ सवालात करना चाहूंगा। इजाजत है। थैंक यू सर। ओ ये लो, ले लो, आंसू पूछ लो आंसू। नहीं घबराओ नहीं। देखो बेटा, मैं तुमसे कुछ बहुत सीधे साधे और आसान सवाल पूछना चाहता हूं और तुम उनका एकदम सीधा साधा जवाब देना, ओके? बेटा, तुम्हारे माता पिता जिंदा हैं? मेरी मां है, पिता नहीं है। क्या तुम बता सकती हो बेटा कि तुम्हारे पिताजी कैसे और कहां गुजर गए? ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, इन सवालों का मुकदमे से कोई ताल्लुक नहीं। ताल्लुक है योर ऑनर, बहुत गहरा ताल्लुक है। यह मुकदमा किसी की जिंदगी और मौत का फैसला करने वाला है, इसलिए मिस कोमल से मुझे यह सवाल पूछने की इजाजत दी जाए। आप ये सवाल पूछ सकते हैं। थैंक यू योर ऑनर। हाँ तो कोमल, तुम बताने वाली थी ना कि किन हालात में तुम्हारे पिताजी की मौत हुई? नहीं, किसी की तरफ मत देखो, आराम से मेरे सवाल का जवाब दो। मैं तुमसे पूछ रहा हूं ना, बोलो कैसे मौत हुई? उन्हें फांसी दी गई थी। फांसी? तुम्हारे पिताजी को फांसी दिलाने के लिए जिस वकील ने उनके खिलाफ मुकदमा लड़ा था उसका नाम जानती हो? जी। तब तो ये भी जानती होगी कि विक्रम ठकराल उसी वकील का बेटा है। मैं ये पहले नहीं जानती थी, लेकिन बाद में जान गई। और जब तुमने जाना तो मन ही मन में फैसला किया कि एक ना एक दिन अपने बाप की मौत का बदला उस वकील या उसकी औलाद से लोगी, और उसी इंतकाम के शौक ने तुमसे विक्रम ठकराल के खिलाफ झूठी गवाही दी। भैया। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, वकील सफाई एक मासूम लड़की के आंसुओं से मुजरिम के हाथों पर लगे खून के धब्बे धो नहीं सकेंगे। वो कोमल वर्मा की गवाही को झूठा साबित करने के धुन में ये भूल गए हैं कि विक्रम ठकराल के जुर्म के दो गवाह और भी हैं। मेरी अगली गवाह है डॉक्टर आशा माथुर। जी हाँ, मैंने इसी को देखा था, यही चेहरा, यही था वो। मिलॉर्ड, ये वही है। मिसेस माथुर, पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक आपने बयान दिया है कि जब आपने खूनी को देखा तो आप अपने गेट के पास खड़ी थी। जी। और उसी रिपोर्ट के मुताबिक वो जगह जहां इंदु गुप्ता की लाश पड़ी थी, वहां से गेट जहां पर आप खड़ी थी, वो फासला करीबन 22 गज का था। जी हाँ। मिसेस माथुर, 22 गज का फासला और तूफानी रात, कम रोशनी, क्या आपको यकीन है कि आपने खूनी को अच्छी तरह से पहचान लिया हो? मैं मानती हूं कि ये मुश्किल है, मगर सच यही है कि मैंने इसी को देखा था। ये बताइए कि खूनी ने क्या पहन रखा था, उसके बदन पर कपड़े क्या थे? कोट और पैंट। कोट और पैंट, या सिर्फ कोट या सिर्फ पैंट? दोनों। कोट और पैंट दोनों? दोनों, हाँ हाँ दोनों। थैंक्स। मिसेस माथुर, क्या मैं ये जान सकता हूं कि आप अपने पति के साथ कहां गई थी और कहां से वापस आ रही थी उस रात? जी हाँ, डॉक्टर दस्तूर से हमारा अपॉइंटमेंट था, हम दोनों वहीं से आ रहे थे। आप सच कह रही हैं कि आप डॉक्टर दस्तूर के पास ही गई थी?
डॉक्टर दस्तूर आंखों के बहुत माने हुए डॉक्टर हैं और उनकी रिपोर्ट के मुताबिक आपकी आंखें कमजोर हो गई हैं। शायद यही उनकी रिपोर्ट है। देखिए, क्या ये सही है? जी। मिसेस माथुर, आपकी आंखें कमजोर होने के बावजूद आपने इतने डिस्टेंस से खूनी को पहचान लिया, क्या ये भी सही है? हाँ हाँ, मैं कह रही हूँ। थैंक यू मिसेस माथुर, आपका जवाब ही मेरा सवाल था। अब आप जा सकती हैं। थैंक यू योर ऑनर। जनाब आली, मैं मानता हूं कि डॉक्टर आशा माथुर की नजर थोड़ी कमजोर है, लेकिन मुझे यकीन होता जा रहा है कि अब वकील सफाई की नजर भी कुछ कमजोर है। अगर वो इस रिपोर्ट को ध्यान से पढ़े और देखे तो वो जान लेंगे कि डॉक्टर आशा माथुर की नजदीक की नजर कमजोर है, दूर की नहीं। और 22 गज काफी दूर होते हैं, ये खुद वकील सफाई कह चुके हैं। योर ऑनर, जनाब डिफेंस काउंसिल खूनी और इंसाफ के बीच में ज्यादा से ज्यादा फासला लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो कामयाब नहीं होंगे, इसलिए कि प्रोसिक्यूशन के पास एक ऐसा गवाह है जिसने 22 गज तो क्या खूनी को 22 इंच से भी नजदीक से देखा है। यस माय लॉर्ड, ये लड़का, यही लड़का दीवार पे चढ़ के भाग रहा था। मैंने इसे पकड़ने की कोशिश की लेकिन ये भाग निकलने में कामयाब हो गया। मैंने इसे बहुत करीब से देखा माय लॉर्ड, और मुझे किसी किस्म का धोखा हो सवाल ही नहीं पैदा होता। डॉक्टर माथुर, जब खूनी वहां से भाग गया उसके बाद आपने क्या किया? मैं उस जगह पे वापस लौटा जहां पे लाश पड़ी थी। जाहिर है कि पुलिस के आने तक आप लाश के पास ही थे और आपने लाश को हाथ तक नहीं लगाया? जी नहीं, हाँ मैंने लाश को कोट से जरूर ढक दिया। एक मिनट डॉक्टर, एक मिनट, आप कोट अपने घर के अंदर से लेकर आए थे क्या? जी नहीं, मैंने अपने कोट से ढका लाश को। ओह आई सी, तो उस रात आप कोट पहने हुए थे? जी हाँ बिल्कुल, यकीनन मैंने कोट पहना हुआ था। यानी कि आप कोट और पैंट दोनों पहने? बिना पैंट के मैं कोट नहीं पहना करता। तो आप कोट भी पहने हुए थे उस रात? व्हाट इज दिस, बार बार वही पूछे जा रहे हैं। कोट पहना हुआ था, 100 बार कह चुका हूं। आप फिर सॉरी टू हैव बॉदर्ड यू डॉक्टर, आई एम सॉरी। आपकी बीवी ने अपने बयान में कहा है कि जब खूनी उनके सामने था तो आप नहीं थे, और जैसे ही आप आए तब तक खूनी भाग चुका था। यानी आपकी बीवी ने आपको और खूनी को एक साथ उस मुकाम पर नहीं देखा, क्या ये सही है? हाँ ये सही है, इट्स करेक्ट, करेक्ट। और आपकी बीवी ने अपने बयान में यह भी कहा है कि खूनी ने उस रात कोट पहना हुआ था। ये बार बार कोट कोट, अब आप कहना क्या चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूं डॉक्टर माथुर कि यह भी तो हो सकता है कि गैरेज में गाड़ी पार्क करने के बाद आप अपनी पत्नी की बजाय सीधे वहां पहुंचे जहां इंदु गुप्ता आपका इंतजार कर रही थी। हो सकता है कि इंदु गुप्ता के साथ आपके कुछ नाजायज ताल्लुकात रहे हों और आज वो आपके घर पहुंच गई आपको ब्लैकमेल करने के लिए कि अगर आपने उसकी मुंह मांगी रकम ना दी तो वो सारी बातें आपकी बीवी को बता देगी। आप मारे गुस्से के आग बबूला हो गए और उसी गुस्से में आकर आपने इंदु गुप्ता का खून कर दिया। इससे पहले कि आप कुछ सोच सकें, आपने देखा कि आपकी पत्नी गेट के पास पहुंच गई है। आंखों की कमजोरी, 22 गज का फासला और रात का अंधेरा, आपकी बीवी शायद आपको ठीक तरह से पहचान नहीं पाई। उसने सिर्फ कोट और पैंट में आपको दूर से देखा, वो चीख पड़ी। मारे घबराहट के आपका पहला रिएक्शन यह हुआ कि आप गार्डन की तरफ भागे, लेकिन दूसरे ही लम्हे आपको ख्याल आया कि शायद आपकी बीवी ने आपको ठीक तरह से पहचाना नहीं। आप चक्कर लगाकर गैराज की तरफ से बीवी की तरफ आए और अपनी बीवी को धोखा देने के लिए दोबारा उसी तरफ भागे जिस तरफ बीवी ने खूनी को भागते हुए देखा था। स्टॉप इट! एक मिनट के बाद आप फिर वापस लौटे और अपनी बीवी को यकीन दिलाया कि खूनी भाग निकला है। क्योंकि आपके कोट के ऊपर इंदु गुप्ता के खून के निशान थे, इसलिए आपने बड़ी चालाकी से वो कोट उतारकर इंदु गुप्ता की लाश के ऊपर डाल दिया। बाद में लोगों ने समझा कि शायद वो कोट के ऊपर निशान इंदु गुप्ता की लाश के ही हो। बकवास है, नॉनसेंस! क्या आप ये कहना चाहते हैं कि उस लड़की का खून मैंने किया था? मैं ये कहना नहीं चाहता, बल्कि मैं ये साबित करने वाला हूं कि ये खून आपने ही किया था। What is this? This is that. And that is possible, Dr. Mathur. My Lord, इस कहानी में कमजोरी, अगर इंदु गुप्ता का खून वाकई डॉक्टर माथुर ने किया होता
तो पुलिस को फोन ही क्यों करते? और अगर विक्रम डॉक्टर माथुर के घर गया नहीं था तो वो फोन करके ये कैसे बता सकते थे कि मिस्टर विक्रम उन्हें अशोका रोड पर मिलेगा और वो भी अपने सफेद जीप में? ये तो कोई खास बात नहीं है योर ऑनर। अशोका रोड विक्रम ठकराल के घर का रास्ता है, वो कई बार वहां से गुजरता है और उसी सफेद जीप में आता जाता है। खास बात तो यह है कि जब पुलिस ने विक्रम ठकराल को गिरफ्तार किया, ना तो वो कोट पहने हुए था, ना ही कोई चाकू उसके पास से बरामद हुआ और ना ही उसके बदन पर कोई खून के दाग थे। 20 मिनट के अरसे में खून के दाग मिटाए भी जा सकते हैं, चाकू या कोट कहीं फेंके भी जा सकते हैं, कहीं छिपाए भी जा सकते हैं। मैं ये फिर कहता हूं योर ऑनर कि 16 जुलाई की रात विक्रम ठकराल ना तो कोट पहने हुए था और ना ही उसके पास कोई चाकू था। मैं अदालत को और खास तौर से वकील सफाई को एक खुशखबरी सुनाना चाहता हूं, विक्रम ठकराल का छुपाया हुआ कोट और ये चाकू मिल चुका है। विक्रम के गुनाह सबूत बनकर अदालत के सामने मौजूद है। यह है वो चाकू जिसकी जबान ने इंदु गुप्ता के जख्मों का खून पिया। इस चाकू के दस्ते पर विक्रम की उंगलियों के निशान की सूरत में विक्रम के जुर्मों की दास्तान आज भी लिखी होगी और जो जुर्म की दास्तान ये चाकू नहीं सुना सकता ये कोर्ट पूरा कर देगी। जो चुप रहेगी जबान खंजर लहू पुकारेगा हाजिरी का। इंसाफ के लिए फरियाद कर रहे हैं। विक्रम का ये कोर्ट अपने रोए रोए से विक्रम के जुर्म का इकरार करता है। मैं अदालत के सामने इंदु गुप्ता की जबान बनके इंसाफ को आवाज देता हूं कि विक्रम ठकराल के गुनाहों का सबूत ये झूठ है, ये सच है। ये मेरा कोर्ट नहीं जज साहब, मैं कहता हूं ये तुम्हारा कोर्ट है। मिलोर, ये कोर्ट विक्रम का नहीं है। योर ऑनर, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ये कोर्ट विक्रम का ही है। और मैं भी दावे के साथ कह सकता हूं कि इस रंग का कोर्ट कभी मेरे पास था ही नहीं। तो फिर किस रंग का था? उसका कोर्ट सफेद रंग का था। शिट, थैंक यू वेरी मच। योर ऑनर, कुछ ही देर पहले इन्होंने कहा था कि विक्रम ने कोर्ट पहना ही नहीं था। माय लॉर्ड, मिस्टर ठकराल ने ठीक ही कहा था, ये कोट और ये चाकू विक्रम का नहीं है। लेकिन इन्होंने ये भी कहा था कि उस रात विक्रम ने सफेद रंग का कोट पहना था। मेरी अदालत से दरख्वास्त है कि प्रोसिक्यूशन को कुछ वक्त दिया जाए ताकि वो कोट और चाकू तलाश कर सके। अदालत प्रोसिक्यूशन को 3 दिन का वक्त देती है और उसी के साथ आज की कार्रवाई बर्खास्त की जाती है। कमाल कर दियो।